फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 8142877400। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 7 नशस्तों पर अपना असर व रसूख व कब्जा बरकरार रखे हुए हैं। माजी के रिकॉर्ड्स और वोटिंग का जायजा लिया जाए तो मजलिस हैदराबाद के पुराने शहर के मुस्लिम अक्सरियती हलकों में नाकाबिल तस्खीर दिखाई दे रही। माजी की तरह मजलिस ने दूसरों से पहले अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मजलिस के सदर व MP हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी हालात हाजरा के उनवान से अवाम जलसों से खिताब कर रहे हैं, जिसका मकसद अवामी मजलिस की मकबूलियत को बढ़ाना और पार्टी को अवाम से मजीद करीब करना है। इन जलसों के दौरान वो अवाम से अपीलें कर रहे हैं कि वो बदस्तूर मुत्तहिद रहें और अपने सियासी प्लेटफॉर्म को बचाए रखें। असदुद्दीन ओवैसी तवातर के साथ ये भी कह रहे हैं कि मजलिस कानूनसाज असम्बली में अवामी मसाइल उठाएगी और इन अवामी मसाइल को हल करेगी। ओवैसी को खुफिया एतमाद है कि BJP तेलंगाना में बरसर इख्तदार नहीं आएगी। दलित बरादरी और पसमानदा तबकात के हमारे हिंदू भाई अमन चाहते हैं और वो तेलंगाना में फिरका वाराना हम आहंगी के फिजा को बरकरार रखना चाहते हैं। हालात हाजरा के एक जलसे से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। आज यौम शहदा महात्मा गांधी की बरसी की याद में मनाया गया, जिन्हें 1948 में इस दिन कत्ल कर दिया गया था। BRKR भवन में मुनक़दा कर तकरीब में बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। स्पेशल सेक्रेटरी एनर्जी सुनील शर्मा, सेक्रेटरी कानून नरसिंह राव और दीगर अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। सनती नुमाइश टांपली में ख्वातीन और लड़कियां शॉपिंग में मसरूफ रहते हैं। शीटी में हैदराबाद ने ख्वातीन और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले 41 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने शी टीम्स को मुफ्ती आम लिबास में तैनात किया था ताकि ख्वातीन और लड़कियों का तहफ्फुज़ किया जा सके। पुलिस के मुताबिक सनती नुमाइश में तकरीबन 50,000 अफराद, जिनमें ख्वातीन, लड़कियां और नौजवान शामिल हैं, नुमाइश देखने की गर्ज से जाया करते हैं और तकरीबन 1,00,000 अफराद एतवार को नुमाइश में मौजूद रहे। मुलजमीन कोशी टीम्स ने इसलिए गिरफ्तार किया कि वो लड़कियों और ख्वातीन को छेड़ने के वाकयात में मुलव्वस थे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जवाहरात की शनाख्त व कटिंग जेम्स क्राफ्ट एंड जेमोलॉजी कोर्स का पीर 6 फरवरी से अजमत जा पैलेस पुरानी हवेली सेटविन पर आगाज किया जा रहा। 6 माही तरबियती कोर्स की तकमील के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो मुल्क व बैरून मुल्क मुस्तंद जाना जाता है। रोजगार के हसूल के लिए रहनुमाई की जाएगी। 7वीं जमात कामयाब या 16 साल से ज्यादा उम्र के मर्द व खवातीन इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। दाखिले जारी है। मजीद तफसीलात फोन नंबर 8108802 या सेटविन पुरानी हवेली अजमत जा पैलेस पर रास्ता राबता कर सकते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट 100% लाभम गारंटी तो पाटु ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మై అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने महात्मा ज्योतिबा फुले तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में मजीद 141 जूनियर असिस्टेंट की जायदादों को तकरारात के लिए शामिल किया और इन 141 जायदादों पर ग्रुप 4 के तहत तकरारात किए जाएंगे। इन जायदादों की तादाद में इजाफे के बाद जूनियर असिस्टेंट की जुमला 430 जायदादों पर तकरारात किए जाएंगे। इस सिलसिले में कमीशन ने पहले से 299 जायदादों के साथ मजीद 141 जायदादों पर तकरारात के लिए ग्रुप 4 जमीमा जारी किया है। इस तरह ग्रुप 4 के तहत जुमला 8,180 मुख्तलिफ जायदादों पर तकरारात किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवारों को जिन्होंने ग्रुप 4 के पहले ऐलामी के तहत दरख्वास्त दी है, इजाफी जायदादों के लिए अहल करार देने पर गौर किया जाएगा।
अडानी ग्रुप के जवाब पर अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने पीर को फिर जवाबी हमला किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि इस अडानी ग्रुप ने सवालात से बचने की कोशिश की है। हमले को तेज करते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि कौम परस्ती की आड़ में धोखा छुपाया नहीं जा सकता। अडानी ग्रुप के 413 सफात पर मुश्तमिल जवाब पर जवाब देते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अहम मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की गई है और हमारी रिपोर्ट को हिंदुस्तान पर एक हमला करार दिया है। अडानी ग्रुप ने कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी की दौलत में इजाफे को हिंदुस्तान की कामयाबी से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा कि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत बहुत मुतहरिक है। हिंदुस्तान आने वाले मुस्तकबिल का सुपर पावर है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि उनका मानना है कि अडानी ग्रुप ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को पीछे धकेलने की कोशिश की है। ये कंपनी मुनज्जम तरीके से मुल्क को लूट रही और खुद को हिंदुस्तानी परचम में लपेट कर पेश करने की कोशिश कर रही। हिंडनबर्ग ने कहा है कि वो ये भी मानते हैं कि धोखादही धोखा है, चाहे उसका इर्तकाब दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से किसी ने किया हो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सनदकार गौतम अडानी की क़यादत में ग्रुप पर खुले आम इल्जाम लगाए गए हैं कि वो स्टॉक में हेरा फेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड में मुलव्वस है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर यानी 6 फरवरी को 2002 के गुजरात फसादात पर बीबीसी की एक दस्तावेजी फिल्म पर मरकजी हुकूमत की जानिब से आयद की पाबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर गौर करने पर इतफाक किया। एडवोकेट एमएल शर्मा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने फौरी समाअत का मुतालबा किया था। इस पर अदालत उज़्मा ने 6 फरवरी को समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। अदालत अगले पीर को साफी एन राम और एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए दस्तावेजी फिल्म के लिंक और अपने ट्वीट्स को हटाने के लिए दायर की गई एक अलहदा दरख्वास्त की भी समाअत करेगा, जिसमें मरकजी हुकूमत ने हुक्म दिया था कि दस्तावेजी फिल्म से मुतल्लिक सारे ट्वीट्स हटा दिए जाएं। एमएल शर्मा की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौकिफ अख्तियार किया गया है कि गुजरात फसादात पर बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म रिकॉर्ड की गई थी और उसे आवाम को देखने के लिए जारी किया गया था, लेकिन सच्चाई के खौफ से इस दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% लाभम गारंटी तो पाटु 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయ్యింది. నా భర్త డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను, కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను, కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు, కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాడి చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్, నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్షుక్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।